सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। बहुत ही सत्कारयोग मलोट हल्के दियां साडियां सत्कारयोग मावां, साडियां भैणां, साडे बहुत ही सत्कारयोग बजुर्ग, साडे भरा, बच्चे ते इत्थे उपस्थित कांग्रेस पार्टी दे वक्खो वक्खरे लीडर प्रधान शुभदीप सिंह जी, प्रमोद महाशाह जी, वरिंदर मक्कड़ जी, शिव कुमार जी, प्रेम गोयल जी, दर्शन सिंह जी, कुलदीप कौर जी, जतिंदर शर्मा जी, धनजी धन्ना जी, बलदेव सिंह जी, भुपिंदर प्रधान जी, ते खास तौर पर साढ़े उम्मीदवार रूबी मेरी छोटी भैन। सब तो पहला तो मैं थोड़े तो सारे का इतने आने पर इतने पहुँचने तय दिलों धन्यवाद करती हैं। तुसी सारे आपो अपने कम्मां दे, आपदे घरां दे, आपदियां दुकानां दे, आपदियां फैक्ट्रियां दे रुझेवे छड़ के कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट च आए हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत सारिआं दा। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। देखो ये जिहड़ी गूंज है ये 20 तरीक नूं डब्बिआं तक पहुंचनी चाहीदी है, कल्ली इत्थे नहीं रहनी चाहीदी। मलोट का विकास करन दे लई एक नवा चेहरा ते एक कमाल का चेहरा मिल जूगा। देखो साडी ये भैण पहली बारी इत्थों चोण लड़ रही है, पर इहदी मलोट नूं अज लोड़ है। ये तुहाडा कट दसदा है, ठाठा मारदा कट ये दसदा है कि तुहाडी मंग है साडी भैण। देखो इहनां दी ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਬਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ। ਕਿੰਨੇ MLA ਹੈ ਜਿਹੜੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ पार्टी की विचारधारा वाल झाकण की लोड़ है। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्हें देश को आजाद कराने तो लैके तो जिन्ना विकास अपने देश का होया है, जो कुछ भी आया है सूई तो लैके तो फैक्ट्रिया तक कांग्रेस पार्टी ने लिया के दिता है। अच्छ बड़िया नवी नवी पार्टियां आदियां पई हैं जिड़िया आपकी विचारधारा दसदिया है, पर कांग्रेस के नाल का कोई नहीं। वो कहते हैं नवा न नवा 9 दिन पुराना 100 दिन, यह पुराना 100 दिन है साडा। इहदे नाल सारिआं ने आपदा विश्वास जताउणा है। देखो जिन्नियां मेरियां मावां इत्थे बैठीआं, मैं खास करके आपदियां मावां नूं ते भैणां नूं भी बेनती करूंगी, जिथे आपां सारे आपदे घर चलाउणे हैं, आपदे घरां दे रुझेवियां दे नाल नाल सारे बच्चों दे भी कम करदे हैं, आपदे परिवार नूं कामयाब भी करदे हैं, तां तुसीं जिथे अपने परिवारों को कामयाब करते हो उत्थे साडी भैन रूबी नूं भी कामयाब कर सकते हो। देखो तुहाडे सारे समर्था है, यह ना सोचो कि बाई हरी साडे भरा राजनीति करते इन्हां नूं वोटां का पता है, जिन्ना कु वोटां का इन्हां नूं पता है, इतों ज्यादा साडियां मावां नूं पता है चुल्हिआं तों राजनीति चलती है पंजाब की, पता है इहली सत्थां तों नहीं चलती, चुल्हां तों चलती है। चुल्हिआं ते बैठियां मावां रोटी खलदियां इह तय कर दिंदियां कि इस वारी तां इहनूं बना देणा ते इहनूं तां ला ही देणा, तां निकम्मा किसे कम्म दा नहीं, इस बारी तो इनू बनावे। तो मैं सारिया मावं अगे बेनती करती हूँ कि जो रोटी पानी बनाने हो, जो सहेलियों बहने हो, तो यह तय कर देना कि इस बारी तो रूबी MLA की कुर्सी पर पा ही देना है। देखो जो अकाली दल ने पंजाब वास्ते जो पंजाब की दुर्दशा की, मैं उन्होंने कुछ चंद गलों के बयान करूंगी। सारे बेनती करती हूँ 2 मिनट की चुपता नाम बख्शो। देखो अकाली दल ने पंजाब से कई साल राज किया, पिछले जो 10 साल राज करके गए हैं, तो उन्होंने 10 साल के अकाली दल ने जिहड़ी पंजाब को सब तो वड्डी माड़ी चीज से माड़ी आदत दित्ती उह सी चिट्टा। देखो मेरे तुहाडे वास्ते हो सकदा ये गल्लां ही होण, यह सुर्खियां होण अखबारां दीआं, पर जिस घर के अंदर चिट्टा वड़ गया उस मां नूं ते उस भैण नूं पुछ के वेखो कि इह की शराब है। जो तो मैं किसी के घर के उत्ते खट्टा झंडा लग्या वेखदी हाँ ना, मैं ये सोचती हूँ या तो इन्होंने घर के घरे भैन है नहीं, कोई औरत है नहीं, तो या बेचारे किसी बोझ थले दबे हुए है, झंडा बोझ थले लाया गया इन्होंने,
बिकॉज़ जिस घर दे विच औरत है ना उस घर च कट्टा झंडा लग्या चंगा नहीं लगता। सच है कि नहीं है गल? सब तो वध शराब साडियां मावां ने ते भैणां ने भोगिया चिट्टे दा ते चिट्टे दी देन अकाली दल दी आ खट्टे झंडे वालियां दी। गुरु साहब की बेअदबी अकाली दल ने की है भुलना नहीं चाहिए आपां नूं। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੇ ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਗਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੋਰੇ 250 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ। ਇਹੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਮਗਰੋਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਐ ਬੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਖੜ ਖੜ ਬੋਲਦੇ ਐ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਹਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ MLA ਬਣੂਗੀ, ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਮਗਰਲਾ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੜ ਜਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਿਆ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੜ ਕੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 250 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1500 ਰੁਪਈਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਛੱਡਣ ਸਕੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 5200 ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11000 ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ 52000 ਰੁਪਈਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 52000 ਨਾਲ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੂਪੀ ਨੂੰ MLA ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬਟਨ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਪੰਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਬੋਗੇ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ MLA ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਓਨੀ ਵੱਧ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਗਰਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ,
चन्नी साहब ने मुख्यमंत्री बन जाना है। एक गल होर पता की है, अज बादलों नू बुखार इन्ना क्यों चढ़िया वे है, क्योंकि जेड़ी कुर्सी ते बादल बैठ वास्ते बादलों ने पता नहीं पंजाब च किन्ने कांड करते, चिट्टा लिया, बेअदबी करती, पंजाब के खजाने खाली करते, पंजाब नू लुट लुट आपका घर भर लिया उस कुर्सी पिछे। तुहाडे भाईचारे नू ओ कुर्सी कांग्रेस पार्टी ने बिना मंगिया बिना किसी वादे तो पहुंची देती, अज भाई इज्जत रख लिया जे कांग्रेसियों की बेइज्जती ना करा दिया जे। विरोधी पार्टियां पहला ही कही आंदियां है कि चन्नी साहब का ड्रामे बहुत करती है, चन्नी साहब ड्रामेबाज है। देखो एक गरीब बंदा अपने बच्चे को की नहीं सिखाता, मां मिट्टी रोना भी सिखाती है, प्यो साइकिल छावा भरनी भी सिखाता है, मां रोटी पकाना भी सिखाती है, आटा गुन्नना भी सिखाती है। तो जे चन्नी साहब के मां प्यो ने उन्होंने सिखाता तो ड्रामे कहड़े हो गए बई, है कि नहीं। अज आप बादलों को रल के जवाब देना है कि साडा भाईचारा एक है, असी आपके भाईचारे के बंदे नू मुख्यमंत्री बनाउणा है, असी वोट आपके भाईचारे नू पाउणी है, असी किसे होर नू कुछ नहीं जानते। एक आम आदमी पार्टी वालिआं ने नवा ऐलान किया है, तीन दिन पहला, सारे सुन लो चंगी तरह। उन्होंने कहा है कि पंजाब दे विच 10 साल पुरानियां गड्डियां, स्कूटर, ट्रैक्टर, कंबाइना सारिया बंद हो जाएगियां। ये उन्होंने दो दिन पहला दी प्रेस कॉन्फ्रेंस चक्या, पढ़ लो। गल ये है कि जे गड्डिया 10 साल पुरानिया बंद करतीया, करोना चो मसा निकल रहे हैं, हजे तो बच्चों के स्कूल भी नहीं खुले, नवीं खरीदने की किसी समर्था है नहीं, जो पुरानिया बंद कर देंगे तो फिर आप पैदल ही हो जाएंगे भाई, तैयार हो जाओ इस गल। आम आदमी पार्टी का ऐलान है। एक अगली होर गल जिहड़ी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल ने बयान दिता है कि पंजाब के पानी के नाल दिल्ली के पानिया की तोड़ को खत्म किया जाऊगा, ये उन्होंने बयान है, सुन लो चंगी तरह। इस तरह से राजनीति करना ठीक नहीं है, पानी तो हरियाणा के भी अपने लोग हैं, पंजाब के भी अपने लोग हैं, दिल्ली के भी अपने लोग हैं, सारों को पानी मिलना चाहिए ना, सारे मिल पा रहे चढ़ के। गल ये है केजरीवाल ही दिल्ली हरियाणा के पंजाब के लोग अपने हैं, पर साडे लई तां कल्ले पंजाब दे ही आपदे है, सानू दिल्ली ते हरियाणा तों से की लेना। गल ये है कि पंजाब चलता है पानिया के सिरते, राजस्थान च भी जमीन तो बहुत पई है, पर सारे बंदे रहे क्योंकि उत्थे पानी है नहीं। ते जे इह दिल्ली वाले पंजाब नूं आ गए तो भाई पंजाब नूं राजस्थान बना देंगे, जे पानी लै गए अपना तां इस गल ही मगरों रोवे, अज चिट्टे नूं रोई जांदे हैं ते मगरों पानिया नूं रोवे, तू चंगा नहीं आवे ही ना, तू चंगा नहीं। गल ये है मगरों पछताउण नालों अज रोकिया चंगा है, इहनूं बाहर दिल्ली तक ही रोक दिओ ताकि अंदर वाड़ी ना सके। एक वड्डी गल मैं तुहानूं होर दसना चाहुंदी है, दिल्ली हवाई अड्डे ते पंजाब दे विच्चों कल्ली बादलों की इंडो कनेडियन पहुंचती है, पंजाब की ना सरकारी बस ना किसी होर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की बस हवाई अड्डे नहीं जा सकती, पता इस गल का कि नहीं पता, मैं दसती हूँ तुहानूं कि पंजाब की कोई भी बस दिल्ली हवाई अड्डे नहीं जा सकती, पर बादलों की इंडो कनेडियन रोज जाती है, तो एक बस 3 लाख रुपया कमाई करती है एक दिन का। जो राजा ट्रांसपोर्ट मंत्री बने तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो झाड़ू वाला मुख्यमंत्री है उन्होंने 100 चिट्ठी लिखी कि सरकारी बस पंजाब की चलन दो तो बादलों की बंद करो, इन्हें किसी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिता। उदो बाद बड़िंग साहब ने इन्हें घर के बाहर धरना लाया, इन्हें घरों से उठ के बाहर ही नहीं आया। फिर ये अमृतसर आए हुए थे भगवंत मान से अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने उत्थे जाके मिले, बड़िया बेनतियां कीतियां, पर अज तक हवाई अड्डे ते कल्ली बादलों की बस चलती है, कल्ली बादलों की सरकारी बस में चलने की परमिशन है नहीं। कि इस गल तो यह अंदाजा लाया जा सकता है कि जिहड़ियां बसां दिल्ली जांदियां हैं उन्हां दी कमाई कल्ली बादल नहीं खांदे, अरविंद केजरीवाल भी खांदा है, यह रल के खांदे है, यह रल के खांदे है भाई। अज बचन का मौका है, एक पासे अकाली दल है, एक पासे तकड़ी है, तुहाडी हरेक वोट जिहड़ी तकड़ी नूं पऊगी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਊਗੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ,
जेड़ी वोट पंजे ते पाऊगी ओ भाई पंजाब दे पछड़े वर्गू। चरणजीत सिंह चन्नी जी नूं मुख्यमंत्री बनाऊगी ते साडी भैण रूबी नूं एमएलए बनाऊगी। मौका दिओगे तां पता लगूगा, ऐं पता नहीं लग सकदा। मैं किते कैंपेन करन नहीं गई, पूरे पंजाब च किते नहीं गई, मैं सिर्फ आपके घर वाले राजा वड़िंग जी वास्ते कैंपेन कीती ते खास आपकी भैण वास्ते आई हां, क्योंकि ये बहुत होनहार है, बड़ी जिम्मेवार है ते बहुत कामयाब होऊंगी। वेखो मलोट एक ऐसा हलका है जिथे कोई स्टेबल लीडर है नहीं गा, यंग कुड़ी है, जे अज इहनूं पक्का कर दिओगे सारी उम्र तुहाडे नाल निभूगी। पर खास करके औरतों की बेनती बनती है, साडीआं भैणां की जिम्मेवारी बनती है इहनूं पक्का करना। वेखो कांग्रेस पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है ते औरतों के लिए हमेशा औरतों के हक के कानून बनाउंदी रही है। मेरी तुहाडे सारिआं अगे बेनती है, सारे काम छड्ड के 20 तरीक शाम के 5 बजे तक, एक भैण नूं कोई 5 भैणां जाणदीआं हुंदीआं जिहड़ीआं उहदे मगर लगदीआं है, जिहड़ीआं सलाह करदीआं है कि भैणे शकर किन्ना लईए, अज रोटी च की बनाएंगी, सूट कहड़ी दुकान तों खरीदी है। अज मेरे घर वाले नाल तां मेरी लड़ाई हो गई, चंगा नहीं किसे नहीं कम दा, अगले दिन प्रबंधन दी नहीं है बहुत चंगा। जिहदे नाल आपां इह गल्लां करदे हैं उह 4-5 लेडीज अपनी लाइफ च जरूर हुंदी। मेरी तुहाडे अगे एक बेनती है हथ बन के कि जिन्नियां बीबियां तुहाडे मगर लगदियां तुहानू जानदियां उन्हां सारियां दी वोट पंजे ते पवा के साह लैणा है। जिम्मेवारी समझ लो, ये ना सोचो ये रूबी का इलैक्शन है, ये सोचो ये साडा आप का इलैक्शन, असीं आपकी धी नूं आपकी भैण नूं बनाउणा है ते बनाओगे तां कि एक एक वोट पंजे ते पवोगे। मेरी सारियां अगे हथ बन के बेनती है ते मैनूं उम्मीद है कि तुहाडा एक वारी दबिया बटन रूबी नूं एमएलए ते चन्नी साहब नूं मुख्यमंत्री बनाऊगा ते आपां विकास ते राहां ते मलोट नूं तोड़ देंगे।